जनूबी पंजाब समेत सूबे भर के थाने भी होंगे साफ। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम अरूट पर आईजी पंजाब का थानों की सफाई का हुक्म, यकम नवंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। डेरा गाजी खान गंदगी से होगा पाक, एमडब्ल्यूएमसी के वक्त की कमिश्नर से मुलाकात। शहर से बाहर डंपिंग पॉइंट और कैपेसिटी का भी जायजा लिया। वक्त 3 रोज दौरे के बाद अफराधी कुव्वत और मशीनरी के हवाले से रिपोर्ट देगा। मीर हजार खान नुंडी पतापी कालू चौक तक सड़क की मंजूरी। सब्जी मंडी चौक पर 20 सड़कें असर नौ तामीर होंगी। एमपीओ करम लगारी ने मंजूरी ले ली, कहते हैं इलाका मकीनों की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। डीसी डेरा गाजी खान की जेर सदारत इजलास, तालीमी इदारों में सिक्योरिटी और दीगर मामलात का जायजा लिया। खुफिया कैमरों और वॉक थ्रू गेट की तंसीब यकीनी बनाने की हदायत। गिरा फरोशों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक, डीसी मियांवाली की जेर सदारत इजलास। मस्नूई महंगाई करने वालों के खिलाफ लाहे अमल तैयार, सख्त कार्रवाई के साथ जुर्मानों का भी हुक्म। मिंसनाबाद होगा साफ और सरसब्ज, अंजुमन ताजरान और प्रेस क्लब भी होंगे मुहिम का हिस्सा। हफ्तावार 250 पौधे लगाने पर इत्तफाक, मुहिम 2 माह तक जारी रहेगी। रहीम यार खान में स्टार टीचर्स अवार्ड की तकरीब, डिप्टी कमिश्नर जमील अहमद जमील की खसूसी शिरकत। असातिज़ा को बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन, कहा असातिज़ा नामुनासिब सहूलियात के बावजूद बेहतरीन नतीजे दे रहे हैं। और बहावलपुर में पीसीबी अंडर 16 ट्रायल, फाइनल टीम बनाने के लिए खिलाड़ी 2 टीमों में तकसीम। अंडर 19 की फाइनल टीम के नामों का ऐलान कल किया जाएगा।